हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजू कुरावा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आपके सामने कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। ये कविताएं ये लिखी गई है, इनके लेखक है प्रोफेसर जे पी कर्दम, जय प्रकाश कर्दम, हिंदी के बहुत जाने माने लेखक हैं, और उनकी लिखी हुई कविताएं मैं आपके आपको पढ़ के सुना रही हूँ। डॉक्टर अंजू गुरावा, पहली कविता है दर्द। नहीं है कोई मलाल उसको बचाने के लिए, जलती आग में कूदकर खुद के झुलस जाने का, याद नहीं रहा कभी अपने जलने का दर्द। इस सुखद अनुभूति में की जरूरत थी जब उसे किसी बचाने वाले की, मैं उसके काम आया, लेकिन अफसोस और दुख है उसके यह कहने पर। खरोंचे आ गई उसे मेरी लापरवाही से, जलने के दर्द से अधिक और दर्द गहरा दर्द दे रहे हैं उसके शब्द। यह दर्द न सहा जाता है न कहा जाता है। अगली कविता है आओ गले मिले। आओ गले मिले, कुछ गिले शिकवे होंगे, कुछ गलत फहमियां होंगी, कुछ नाराजगियां भी होगी एक दूसरे से, तुम्हें भी मुझे भी, कुछ अटकता खटकता होगा, कहीं कुछ सिमटता बिखरता होगा, कुछ रिक्त और तिक्त सा होगा मन, तुम्हारा भी मेरा भी, कुछ खालीपन की चुभन सी होगी मन पर, कुछ बोझ होगा, कुछ न सह पाने की टीस होगी, कुछ न कह पाने का दर्द होगा, तुम्हें भी मुझे भी। आओ अपने अपने मन को टटोले, उन्हें समझाएं, खटास को मिठास में बदले, दर्द को मिटाएं, कांटों से चुभे नहीं फूलों से खिले। अगली कविता है जंग। एक साल और बीत गया, जिंदगी का गड़ा कुछ और रीत गया, जो कुछ बचा है वह भी दहशत जदा है। जंग से शुरू हुआ था, जंग पर खत्म हुआ, जीत नहीं दे सका लेकिन लड़ने का जज्बा दे गया। जंग जारी है, पता नहीं कब तक चलेगी, जब तक भी चलेगी जज्बे से भरी रहेगी। अगली कविता है नया साल। नए साल में सब कुछ हो गया नया नया, मुरझाए उदास चेहरों पर आए रौनक, आंखों में हो सपनों की चमक, कुछ भी नहीं हो बुझा बुझा, रुखा रुखा सूखा सूखा, मन रहे मालिन्य से दूर, नई हो आशाएं उमंग और उत्साह, जो रूठे हैं उन्हें मनाएं, जो माने हुए हैं उन्हें गले से लगाएं, जो चुप हैं उन्हें बुलवाएं। जंग भी हो एक, अगली कविता है जंग भी हो एक। वह दामिनी है निर्भया तमन्ना, जागृति क्रांति या और कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है उसका नाम, धर्म या जाति, वह अनपढ़ भी अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, गांव में रहती हो या शहर में, दफ्तर में काम करती हो या स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाली या मेहनत मजदूरी करने वाली, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रत्येक कोने में हर रोज रेप, गैंग रेप, मास रेप तथा बर्बर यौन हिंसा के शिकार होने वाली वह एक ही है। एक है उसका दर्द, चिथड़े चिथड़े शरीर, मन और चेतना पर पड़े जख्म, अनेक नहीं है वह, उसका संघर्ष और जंग भी हो एक। अगली कविता है भेड़िए। जब से होश संभाला है जिंदगी के इस बियावान में, खुद को भेड़ियों से घिरा पाया है। ये भेड़िए गली मोहल्ले से लेकर बसों बाजारों तक हर जगह मिलते हैं, अकेले कहीं अकेले कहीं दुकेले तो कहीं झुंड में मिलते हैं, कहीं असली रूप में तो कहीं भेड़ की खाल में। भेड़िए पहचान हो गई है मुझे भेड़ियों की, सीख लिए हैं मैंने उपाय भी भेड़ियों से निपटने के, नहीं लगता बाहर के भेड़ियों से उतना डर, लेकिन घर में कौन कब भेड़िया बन जाए इससे डरती हूं। असमर्थ लोग। एक दिन गुनगुनाई थी मैंने एक कविता अपनी 2 साल की बेटी के सामने, रट गए थे उसे सुनकर, उस कविता के कुछ शब्द दोहराती थी उन शब्दों को बार बार, नहीं जानती थी वह उन शब्दों के अर्थ, जानती थी केवल शब्दों को, क्योंकि सुने थे उसने शब्द, पकड़े बैठा था उसका मन शब्दों को ही, बहुत से लोगों की तरह वो पकड़ कर बैठे रहते हैं शब्दों को ही, उलझते रहते हैं केवल शब्दों की दुनिया में, शब्दों के बीच वे शब्द सुनते हैं, शब्द बुनते हैं, शब्दों से लड़ते हैं, शब्दों में जीते हैं, अर्थों को पकड़ने में असमर्थ लोग। आदमी और कविता, क्यों नहीं चलते साथ साथ आदमी और कविता, जहां कविता है वहां आदमी नहीं है, जहां आदमी है वहां नहीं है कविता, दोनों के बीच बनी रहती है दूरी, कब तक खड़े रहेंगे अवरोध बनकर कविता और आदमी के बीच, भारी भारी सिद्धांत विचार और शब्द बनाते रहेंगे शुष्क और संवेदनहीन आदमी को, कहीं तो कोई जगह हो वादों विवादों की दुनिया में, जहां एक आदमी कर सके संवाद दूसरे आदमी से, वे समझे एक दूसरे की संवेदना, बांटे एक दूसरे का दर्द, तमाम विभेदों से ऊपर उठकर केवल आदमी बनकर, मनुष्यता के आवेग और संवेदना के आवेग से अलग। और क्या है कविता,
फिर क्यों नहीं जुड़ते परस्पर कविता और आदमी, आदमी और कविता। भदेश, अगली कविता का शीर्षक है भदेश। वे भक्त हैं, मैं विभक्त हूँ। वे स्वीकृत हैं, मैं निरस्त हूँ। वे त्यागी हैं, मैं त्यक्त हूँ। वे पतझड़ हैं, मैं बसंत हूँ। वे दिशा है, मैं दिगंत हूँ। वे संत हैं, मैं अनंत हूँ। वे उग्र हैं, मैं अशांत हूँ। वे निशा है, मैं निशांत हूँ। वे आक्रामक है, मैं आक्रांत हूँ। वे काव्य है, मैं वृतांत हूँ। वे धीर है, मैं अधीर हूँ। वे आत्मा है, मैं शरीर हूँ। वे संपूर्ण है, मैं शेष हूँ। वे सामान्य है, मैं विशेष हूँ। वे देश है, मैं विदेश हूँ। वे भाषा है, मैं भदेश हूँ। वे राग है, मैं विराग हूँ। वे अंधेरा है, मैं चिराग।